बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी मसाला रेसिपी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू के पकोड़े बनाने की रेसिपी। आलू के पकोड़े इससे पहले भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, लेकिन ये जो आलू के पकोड़े हैं ये मुनफरिद तरीके से बनाए जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ये चलते हैं रेसिपी तैयार करने की तरफ। ये 3 अदद आलू हैं, इनके मैंने छिलके रिमूव कर दिए हैं, इनको पानी के अंदर डिप किया हुआ है क्योंकि ये काले ना हो जाएं और अपना रंग ना छोड़ें। अब हमें सबसे पहले ये आलू हैं इनको छुरी की मदद से या कटर की मदद से, ये वाला कटर है जिससे हम चिप्स काटते हैं, इसका साइज जो है काटने के लिए हमें थोड़ा सा चिप्स से आलू मोटा काटना होगा और काटना हमें बिल्कुल इसी स्लाइस में ही है। ये देखें, ये हमने आलू पकड़ना है और चिप्स की साइज़ के ही हमने आलू काटते जाना है। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें ये आलू इस साइज़ में आपने काटने हैं पकौड़े के लिए। ये आम चिप्स से थोड़ा सा मोटा, और जब काटने लगें थोड़ा सा साइज़ इसका मोटा रखें। पानी के अंदर ही हमने इसे साथ साथ डिप करते जाना है क्योंकि इससे जो आलू के अंदर स्टार्च होगा वो रिमूव वो हो जाएगा। ये तमाम आलू के जो हैं, 2 आलू मैंने कटिंग कर ली है, 3रा आलू आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि आपने किस तरह कटिंग करनी है। अगर छुरी की मदद से आप कटिंग करेंगे तो आपने इस तरह करनी है। ये देखें ना, आलू की साइज़ ज़्यादा मोटा हो ना बारीक हो, इसी तरह आपने तमाम आलू की कटिंग कर लेनी है। हाथ की मदद से भी हम बहुत आसानी के साथ ये कटिंग करते हैं कर सकते हैं। ये देखें, अब ये पानी जो इसके अंदर है ये देखें, ये दूधिया सा होना शुरू हो चुका है क्योंकि इसका जो तमाम स्टार्च है वो इसमें हल हो रहा है। इस तरह मैंने इसे नल के नीचे 2 से 3 बार इसका तमाम पानी मैंने रिमूव करना है और फिर हम मिलेंगे तमाम इसे धोने के बाद। ये तमाम आलू मैंने अच्छी तरह धो लिए हैं और इनको 4 से 5 दफ़ा मैंने पानी के अंदर धोया है और इनका तमाम पानी रिमूव कर दिया है। अब हम इन्हें एक किचन टावल लेंगे, किचन टावल के ऊपर हम इसे अलग-अलग अलग-अलग फैला देंगे ताकि ये खुशक हो जाएं। अगर ये गीले होंगे तो फिर इसके जो ऊपर हम पेस्ट लगाएंगे वो अच्छी तरह नहीं ठहरेगी। हमने इसे अच्छी तरह तमाम को किचन टावल के ऊपर डालकर कुछ देर के लिए हमने छोड़ देना है। अब इस तरह हमने तमाम आलूओं को अलग-अलग थोड़ी देर के लिए फैला देना है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप हमारा ये है कि हम पकौड़े बनाएंगे तो उसके लिए जो हमने पेस्ट तैयार करनी है वो हम एक बाउल के अंदर 1/2 कप बेसन, 1/2 से 1/4 कप ये मेजरमेंट कप है, जितना आप बेसन ऐड करेंगे उससे 1/2 जो है आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड करना चाहते तो फिर आप इसके अंदर चावल का बारीक पीसा हुआ आटा आप 1/2 मिकदार में इसके अंदर ऐड कर दें, लेकिन मैं कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। 1/2 चम्मच हल्दी, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च पाउडर, नमक 1/2 चम्मच, थोड़ा सा अजवाइन हाथ की थैली से मिसल कर हम इसके अंदर ऐड करेंगे, 1/2 चम्मच जीरा, धनिया कटी हुई, 1 से 2 सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई, इनको पहले हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हमेशा यकजान हो जाए और अच्छी तरह इनके अंदर मसाले जो हैं मिक्स हो जाए और फिर हम थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करेंगे और इनका एक महलूल तैयार करेंगे। महलूल इस तरह का हो कि ना ये ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ही ज़्यादा लिक्विड हो। अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। ये हमारा बैटर जो है माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अब
ये तमाम आलू मैंने इकट्ठे कर लिए हैं, ये देखें बहुत अच्छी तरह ड्राई हो चुके हैं। अब हम चलते हैं घी को चूल्हे पर रखकर गर्म करेंगे। ये देखें, ये एक हमने आलू का टुकड़ा लेना है, इसके अंदर डिप करना है और इसी तरह हमने घी के अंदर इसे डाल देना है। घी हमारा गर्म होना चाहिए, ये देखें। इसी तरह मैंने तमाम इसके अंदर डाल देने हैं। घी ज़रा अच्छी तरह गर्म होना चाहिए। एक टाइम में इतने ही डालें कि जितने हम आसानी के साथ इसके अंदर तल सकें। देखते ही देखते ये गोलगप्पे की तरह फूलने लगेंगे। इसके ऊपर घी डालते जाना है। तो कैमरे में आपको नज़र आ रहे हैं, जैसे इसके ऊपर घी डाला जा रहा है तो ये फूल रहे हैं। ये पकौड़े हमारे बहुत मज़ेदार बनते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। इसका टेस्ट और फ्लेवर, इसकी अब हम सेटें बदलेंगे और घी ऊपर डालते जाएंगे। ये देखें, ये जितने मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं वो सब दो गुना जो बड़े हो चुके हैं। आवाज़ भी आप सुन रहे हैं। ये देखें, ये इसकी आवाज़ है, ये इतने क्रिस्पी हैं। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। ये हमारे बनके तैयार हो चुके हैं, इसे हम जितनी देर भी रखें ये गोलगप्पे की तरह फूले ही रहेंगे। अब ये देखें, ये इतने क्रिस्पी हैं। ये देखें, इसी तरह हमने इसके अंदर डिप करते जाना है और घी के अंदर डालते जाना है। Thank you.
ये है इनकी फाइनल लुक। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।